नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ। अब सर्दियाँ शुरू हो गई तो सब्जियों की बहार है, तो चलिए देखते हैं। आप लोग भी बनाते होंगे मिक्स सब्जी, चलिए देखिए मेरा तरीका। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए देख लेते हैं। ये मैंने 4 पूरे टमाटर पीस के रखे हैं, 1/2 किलो पनीर क्यूब में कटा हुआ, आप जिस तरह से काटना चाहते हैं काट सकते हैं, धनिया पत्ता कटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, कस्तूरी मेथी, मटर, और ये मैंने गरम मसाला लिया है, खड़ा मसाला, लौंग, ये देखिए स्टार फूल, दालचीनी, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, ये सब खड़े मसाले हैं। और सब्जियों में लिया मैंने बंद गोभी, मशरूम, शिमला मिर्च, ये पकने के हिसाब से डालेंगे, ये थोड़ा जल्दी पकता है इसलिए हम इनको अलग रखें, बाद में डालेंगे, और ये जल्दी पकता है इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। आलू ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं या आपकी इच्छा हो तो ना भी डालें। गाजर, गोभी, ये मैंने 3 बड़े मिर्च काट के रखे हैं, हरी मिर्च चीरा लगा के रखी है। मसालों में साबुत जीरा और काली मिर्च, नमक, चिकन मसाला, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा एक साथ मिला के रखती हूँ। तो घी या मक्खन आप यूज कर सकते हैं इस घी की जगह, मैं मक्खन की जगह घी इस्तेमाल करती हूँ। सरसों तेल 4 चम्मच के लगभग, टमाटो केचप, पानी ज़रूरत पड़े तो। तो चलिए शुरू करते हैं हम। चलिए अब हम इसमें तेल डालते हैं और साथ में घी भी। तो ये डेली तो हम नहीं बनाते, किसी फंक्शन में या कोई मेहमान आता है तभी बनाते, तो इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा लगेगा। और घी ये मैंने 4 चम्मच डाला था, अब मैं कम से कम 3 से 4 चम्मच घी डालूँगी। घी अकेला कभी मत डालिए क्योंकि वो जलता है। तो चलिए हमारा हो चुका है और लगता है हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो मैं खड़े मसाले डाल देती हूँ साथ में, जीरा और काली मिर्च भी। और इसे हम थोड़ा सा होने देते हैं। चलिए हमारे मसाले अब तड़कने लगे हैं, तो मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ और मिर्च को अलग रखती हूँ। अब हम इसे भूरा होने तक भूनेंगे। चलिए हमारा प्याज जब तक होता है मैं कुछ मसालों को टमाटो प्यूरी में मिला लेती हूँ। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी 1/2 चम्मच, लाल मिर्च मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद हरी मिर्च भी डालूँगी। धनिया पाउडर 2 चम्मच, क्योंकि हम इसकी ग्रेवी तो नहीं बनाएंगे पर सूखी सब्जी बनेगी और इस पर मसाले लिपटे हुए होने चाहिए सब्जियों पे, तो थोड़े मसाले चाहिए हमें। ये मैंने चिकन मसाला लिया है, आप चिकन मसाले की जगह सब्जी मसाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैंने 1.5 चम्मच लिया, और नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा। चलिए अब हम इनको मिक्स कर लेते हैं, प्लस हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच, ये मेरा 2 चम्मच के लगभग है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी। चलिए हम इसको मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसी टाइम कस्तूरी मेथी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप बाद में भी डाल सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर है। चलिए एक बार देखते हैं प्याज को, ये देखिए अभी हुआ नहीं है, थोड़ा और ये भूनेंगे। चलिए इसे भून लेते हैं थोड़ा और। गाजर,
चलिए अब हम इसमें आलू डालते हैं क्योंकि आलू को टाइम लगता है और गाजर को पकने में। चलिए हम इसे 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। सभी मिक्स सब्जी बनाते हैं और सबके अपने अपने तरीके होते हैं। चलिए हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे। चलिए मैं 2 मिनट हो गया भूनते हुए, अब मैं इसमें गोभी डालूंगी। अब इसे भी मैं 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा नमक डाल के इसे पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट तक। सब्जी की खासियत है ये भूनते भूनते ही पक जाती है। तो चलिए मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। बस थोड़ा सा, और अब हम इसे ढक देते हैं। चलिए 3-4 मिनट हो गया, अब मैं मसाले डालूँगी। इसमें टमाटर को पीस कर रखा था मैंने, धनिया, जीरा, चिकन मसाला, हल्दी, नमक और लाल मिर्च, इन सबको मैंने डाल दिया। अब मैं इसे भूनूंगी और मैं पानी नहीं डाल दूँ क्योंकि मैंने इसको टमाटो प्यूरी में डाल के घोला था, इसलिए हमारे मसाले नहीं जलेंगे। अब मैं इसे भूनने तक पकाऊंगी। तो चलिए अब हम इसे भून लेते हैं अच्छी तरह और मैं इसे ढक देती हूँ। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं बीच में, और मटर को भी ऐड कर लेते हैं इसमें। ये मेरे मसाले भून रहे। अब मैं इसमें मिर्च और मटर को ऐड करूँगी। ये मैंने मटर ऐड कर दिया। अब हम इसे चला लेते हैं अच्छी तरह, फिर से मैं इसको ढक के मसाले भूनने तक पका लेती हूँ। चलिए अब हम इसे ढक देते हैं। देखिए हमारे मसाले हो गए हैं बहुत अच्छी तरह। अब मैं इसमें केचप डालती हूँ 2 चम्मच के लगभग। ये देखिए 2 चम्मच मैंने केचप डाल दिया, और थोड़ा सा पानी भी डालूँगी मैं। ये मैंने 2 चम्मच के लगभग पानी डाल दिया। चलिए मैंने अच्छी तरह इसको मिला लिया, और देखते हैं आलू। जी हाँ, ये आधा गल चुका है। तो अब मैं इसमें मशरूम डालूंगी। चलिए मशरूम डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिला लेती हूँ, और फिर देखती हूँ जब आलू थोड़े और हो जाएंगे तो मैं इसमें बाकी बची हुई दोनों सब्जियाँ भी डाल दूँगी। ये नए आलू हैं तो ये थोड़ा टाइम लगता है इनको होने में, ये देखिए। चलिए इसे ढक के 2 से 3 मिनट और पका लेते हैं, फिर हम बंद गोभी और शिमला मिर्च भी डाल देंगे क्योंकि उनको पकने में टाइम नहीं लगता, और शिमला मिर्च तो थोड़ा कच्चापन भी रहता है, क्रंच आता है उसको खाने में तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम इसको ढक देते हैं। चलिए मैंने इसको ढक दिया है और आँच बिल्कुल कम कर दिया है, और ये भी कम आँच पर ही पकेगा। पानी अभी मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच ही डाला है, मेरे मसाले नीचे लगने लगे थे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको 2 से 3 मिनट बाद। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, अब मैं इसमें बाकी बची हुई 2 सब्जियाँ, देखिए मेरा आँच बिल्कुल ही कम है, बिल्कुल कम आँच पे मैं बना रही हूँ। तो तभी मेरे पानी कम लगा, अभी तक मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला। ये देखिए मैंने 1 गिलास पानी लिया था,
इसमें इतना ही पानी मेरा यूज़ हुआ है। तो चलिए अब हम इन दोनों सब्जियों को भी डाल लेते हैं और पनीर को हम डालेंगे सबसे लास्ट में। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। चलिए अब इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि बंद गोभी और शिमला मिर्च को ज़्यादा समय नहीं लगता। तो आलू को देख लेते हैं हम। जी हाँ, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा। ये देखिए, तो अब मैं इसे फिर से ढकती हूँ और इसे आलू के होने तक अब मैं पकाऊँगी। मेरे आलू और गोभी मैंने शुरू में ही डाल दिए थे। ये देखिए आलूओं को, ये देखिए। तो जिस तरह से सब्जी पकने में टाइम लेता है उस तरह से मैंने डाला पहले आलू गाजर, क्योंकि ये बहुत टाइम लेते हैं, फिर गोभी डाला और लास्ट में मैंने शिमला मिर्च और बंद गोभी डाला क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेते हैं। तो आप भी ध्यान रखिएगा, सो सब्जियों के पकने के हिसाब से ही डालिए। तो चलिए मैं इसे ढक देती हूँ फिर से और इसे पकने देती हूँ। चलिए मैं अब कस्तूरी मेथी ऐड कर लेती हूँ और इसे मिला देती हूँ और थोड़ी देर और पकाती हूँ। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारे पनीर, ओ सॉरी, शिमला मिर्च अच्छी तरह कट जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा गलाऊंगी तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो अब मैं इसमें पनीर और धनिया पत्ता ऐड करती हूँ। ये मेरा आधा किलो के लगभग पनीर है। तो आप देख रहे हैं सब्जी की मात्रा कितनी है। अब मैं इसमें धनिया पत्ता भी ऐड करती हूँ और बस इसको 2 मिनट के लिए इन मसालों में छोड़ देती हूँ और इसके बाद ही हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देते हैं। चलिए 2 मिनट हो गया और अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। तो ये लीजिए, मैंने सर्व कर दिया मिक्स सब्जी। ये मेरा तरीका था, आप अपना तरीका भी बताइए मुझे एक बार ज़रूर, और इस तरीके से बना के देखिए कैसा लगता है। ये मैंने 1 गिलास के लगभग पानी लिया था और मेरा पानी बस इतना ही लगा है, तो इसको बहुत ही कम आंच पे मैं बनाती हूँ। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा मेरा तरीका। बनाइएगा ज़रूर और एक बार मुझे बताइएगा ज़रूर। खाइए और अपने दोस्तों को भी खिलाइए और मुझे बताइए अपने तरीका भी बताइएगा ताकि मैं उसे ट्राई कर सकूं और अपने चैनल पे उसको दिखा सकूं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।